Hello students, today I am Tamanna Sharma, TGT Social Science, a faculty of Surat School, Rewari. Today I am going to explain chapter 2 in civics, which is diversity and discrimination. Students, we already done some part of this chapter in previous video. Today I explain discrimination and inequality. Discrimination can be defined as negative action towards people we are prejudiced about. Discrimination kya hai? ये नेगेटिव एक्शन है उन पीपल के लिए जो कि हम पहले से ही उसके लिए प्रेजुडाइज्ड हैं. ओके, डिस्क्रिमिनेशन कैन हैपन द बेसिस ऑफ कलर, क्लास, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा. ये जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये इन एस्पेक्ट्स पर बेस्ड हो सकता है, जैसे कलर, क्लास, रिलीजन, जेंडर एट्सेट्रा. ट्रीटिंग डार्क स्किन पीपल डिफरेंटली फ्रॉम फेयर स्किन पीपल. यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए कुछ डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे कलर को लेके हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं डार्क स्किन पीपल को, और एक फेयर स्किन पीपल को जो हम ट्रीट करते हैं, दोनों के ट्रीट करने में डिफरेंट होता है. गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू पीपल ऑफ हायर कास्ट देन टू दोज ऑफ लोअर कास्ट. कास्ट बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उन्हें ज़्यादा बेटर समझा जाता है, और लोअर कास्ट के साथ अलग बिहेव किया जाता है. थिंकिंग बॉयज़ आर स्मार्टर देन गर्ल्स आर ऑल इंसिडेंट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ये गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और हर जगह पे बॉयज़ को स्मार्ट समझते हैं गर्ल्स से, तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन एट स्मॉलर लेवल सच एज बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ एट होम लीड्स टू एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम द रेस्ट. इसमें क्या कह रहे हैं, जो हम स्मॉलर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि घर में बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ओनली एक इंडिविजुअल को इफेक्ट कर रहा है. ओके, बट डिस्क्रिमिनेशन एट हायर लेवल सच एज दैट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन एंड सोशल स्टेटस क्रिएट्स एन अनबैलेंस्ड सोसाइटी विच हाइंडर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. बट जो लार्ज लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये क्या है, सोसाइटी में अनबैलेंस क्रिएट करते हैं. ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं करते बल्कि होल सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ग्रुप्स ऑफन लीड्स टू रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन वेयर मेंबर ऑफ द डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स आर फेवर्ड मोर देन द मेंबर्स ऑफ द अदर ग्रुप. सो इससे क्या होता है कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर ग्रुप जो है फिर अपने मेंबर्स को तो सेव करता है और दूसरे ग्रुप के साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो उसके साथ करता है. ओके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. इंडिया में जो सबसे वास्ट डिस्क्रिमिनेशन है जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है वो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. कास्ट सिस्टम इज़ द मोस्ट डोमिनेंट रीज़न फॉर द इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. In the beginning, the society was divided into different groups on the basis of occupation, known as varnas. Starting जब हिंदू सोसाइटी की स्टार्टिंग हुई थी तब हमारे हिंदू सोसाइटी को वर्ग के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया था, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ण. These groups of or varnas were flexible and every person had the right to choose or change his profession. ये जो वर्ण थे तो स्टार्टिंग में ये फ्लेक्सिबल थे कि लोग जिस तरीके का वर्क करते थे वो उसी वर्ण सिस्टम के अंदर आ जाते थे, और ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं. ग्रेजुअली द बेसिस ऑफ डिविजन शिफ्टेड फ्रॉम वर्क टू लाइनेज एंड द वर्ण सिस्टम बिकेम द क्लोज्ड कास्ट सिस्टम. धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो वर्क के अकॉर्डिंग हमने डिविज़न किया था वर्णों में, ये क्या हो गया, एक लाइनेज बन गया, वंश परंपरा बन गई कि जो जिसका जो पर्सन जो वर्क करता है उसका जो बेटा होगा वो भी उसी के नाम से जाना जाएगा. तो इस तरीके से ये जो कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया और क्लोज हो गए, बंद गए लोग उस चीज़ से. इवेंचुअली मेम्बर्स ऑफ द अपर कास्ट बिकेम ऑल पावरफुल एंड दोज ऑफ द लोअर कास्ट वर डोमिनेंट बाय द अपर कास्ट. सो जो अपर कास्ट के लोग थे वो तो पावरफुल बन गए, और जो क्या कहते हैं लोअर कास्ट के लोग थे वो वीक हो गए, और अपर कास्ट के लोग उनके ऊपर क्या करने लगे, डोमिनेंट करने लग गए, उनके उनका उत्पीड़न करने लग गए.
दबाव बनाने लग गए उनके ऊपर. दिस क्रिएटेड इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. और इसके कारण क्या हुआ, सोसाइटी में क्या क्रिएट हो गया, इनइक्वालिटी. एंड एज द डिवाइड बिटवीन द अपर एंड लोअर कास्ट इंक्रीज्ड, द प्लाइट ऑफ द लोअर कास्ट डिटेरियोरेटेड. सो जो लोअर कास्ट की कंडीशन थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, खराब हो गई. द लोअर कास्ट पीपल वर टर्म अनटचेबल. किस नाम से बुलाए जाते हैं, अनटचेबल के नाम से. इनको टच करने से हम क्या हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे. द लोअर कास्ट पीपल टर्म्ड अनटचेबल. द अनटचेबल्स वर कंसिडर्ड आउट कास्ट एंड कुड नॉट यूज द सेम वेल एज द अपर कास्ट, कुड नॉट एंटर देयर हाउस. सो जो अनटचेबल्स थे उनको आउट कास्ट माना जाता था. जो कास्ट सिस्टम है, थ्री कास्ट में, फोर कास्ट में डिवाइडेड है हमारी इंडियन सोसाइटी, तो अनटचेबल्स को उन फोर कास्ट से अलग रखा गया है. और ऐसा उनको कंसिडर किया जाता है कि अनटचेबल इस तरीके के पीपल हैं कि वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते. जो अपर कास्ट के लोग वेल यूज़ करते हैं उसको यूज़ नहीं कर सकते. एंटर देयर हाउस एंड कुड नॉट विजिट द सेम टेम्पल एज द अपर कास्ट. जो अपर कास्ट के टेम्पल्स हैं जिसमें अपर कास्ट के लोग जाते हैं, उसमें लोअर कास्ट के लोग, ये जो अनटचेबल्स हैं, वो एंटर नहीं कर सकते. दिस डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस. जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली तब तक ये अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस थी वो कंटिन्यू रही. टुडे द लोअर कास्ट आर नोन एज शेड्यूल कास्ट. आज लोअर कास्ट को किस नाम से जाना जाता है, पहले तो अनटचेबल्स कहा जाता था, अब उनको शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है. मैनी पीपल इन इंडिया हैव फॉट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन. इंडिया के कई लोग थे जिन्होंने इस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी. कास्ट द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम वॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. सब इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा वर्क जिसका अप्रिशिएट किया जाता है, सबसे ज़्यादा मेन रोल जिसने किया था, वो कौन थे, बी आर अम्बेडकर. ही बिलोंग टू अ लो कास्ट फैमिली एंड सफर्ड डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड. ये लोअर कास्ट फैमिली से ही बिलोंग करते थे, अनटचेबल सोसाइटी से, और इन्होंने चाइल्डहुड में ही काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था. ही फॉट एक्टिविटी फॉर द राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स. तो इन्होंने हमेशा अनटचेबल्स की राइट के लिए फाइट किया. राइट टू इक्वालिटी. इक्वालिटी इज़ द राइट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल टू हैव अ सिमिलर सोशल पोजिशन एंड रिसीव द सेम ट्रीटमेंट. अब राइट टू इक्वालिटी क्या है, राइट टू इक्वालिटी जिसमें सभी लोगों को क्या किया जाए, सिमिलर रखा जाए और सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिले. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर ऑलवेज सिंपथाइज्ड विद. जो स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस होते हैं उनको हमेशा सिंपथाइज किया जाता है. मीन्स इसका यही है, वाई कांट दे बी ट्रीटेड लाइक अदर चिल्ड्रन. क्यों नहीं उन्हें अदर चिल्ड्रंस की तरह ट्रीट किया जाता. तो अगर कोई वीक सेक्शन है तो हमें उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो सके. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है. द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एश्योर्स दैट ऑल इंडियंस आर एंटाइटल्ड टू जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो ये जो फोर करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, एलिमेंट्स बताए हैं, प्रीएम्बल में बताए गए हैं, जस्टिस, सबको जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी, कोई भी मतलब अपने डेवलपमेंट के लिए कोई काम करना चाहता है तो कर सकता है, इक्वालिटी, सभी लोग इक्वल होंगे, फ्रेटर्निटी, सभी के बीच में आपस में ब्रदरहुड की फीलिंग होगी. ओके, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है, कितने पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 पार्ट्स हैं. तो जो थर्ड पार्ट है उसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं जो पीपल को प्रोवाइड किए गए हैं. अगर वो फंडामेंटल राइट्स पीपल को नहीं मिलते हैं, किसी कारण से छिन रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाके अपील कर सकता है. तो इसीलिए इनको, इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है. द फर्स्ट फंडामेंटल राइट दैट हैज़ बीन ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन अलाइक इज़ द राइट टू इक्वलिटी विच इंक्लूड. तो सबसे पहले जो राइट प्रोवाइड किया है वो है राइट टू इक्वलिटी,
और राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो भी लॉ बनेंगे तो सभी के लिए क्या होंगे? इक्वल होंगे, एवरी सिटीजन उसके लिए बाध्य होगा। ओके, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर हम इन बेसिस पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो क्राइम माना जाएगा। इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, इसको मना किया गया है कि इनके बेस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। इक्वलिटी ऑन अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कहीं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसी निकलती है तो सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले जो मैंने आपको बताया कि पहले लोअर कास्ट को अनटचेबल कंसिडर्ड किया जाता था, और अनटचेबल का मतलब होता है कि वो उनको टच करने से इम्प्योर हो जाएंगे, वो हमारे हाउस में, हमारे टेम्पल में, हमारे वेल को यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें इम्प्योर हो जाएंगी। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी है उसको ख़त्म किया गया है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी को हम टाइटल दे देते हैं और फिर उसको टाइटल उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो अदर पर्सन से क्या हो जाता है? थोड़ा हायर हो जाता है। तो इक्वलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए ये टाइटल जो प्रोवाइड किए जाते थे, कोई नाम दे दिया जाता था, तो वो चीज़ ख़त्म कर दी गई है। अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश बाय लॉ एंड प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स नाउ। सो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करेगा तो एक क्राइम माना जाएगा, उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। सभी लोग क्या हैं? अब इक्वल हैं। पीपल आर फ्री टू लिव एज दे वांट टू चूज देयर प्रोफेशन और द सिटी ऑफ रेसिडेंस, टू गो टू एनी टेम्पल, थिएटर और रेस्टोरेंट। सो जो पीपल हैं वो फ्री हैं, वो कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी सिटी में जाकर रह सकते हैं, किसी भी टेंपल में एंट्री कर सकते हैं और किसी भी थिएटर या रेस्टोरेंट में इक्वली जा सकते हैं। हाउएवर डिस्पाइट दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन वेरियस फॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी हमें हमारी कंट्री में कई फॉर्म्स में देखने को मिलती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इन ऑर्डर टू बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी वी नीड टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। हमें ज़रूरत है कि हम जो भी हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है उसको रिस्पेक्ट करें और जितना हो सके इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करें। एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी विल ब्रॉडन अवर आउटलुक एंड इनरिच अवर लाइव्स। मीन्स जो एम्बेरसिंग डाइवर्सिटी है, जो कि हमारी कंट्री वो हमें थोड़ा एम्बेरस करती है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये हमारे लुक को ब्रॉडन करेगी, व्यापक बनाएगी एंड इनरिच अवर लाइव्स, और हमारी लाइफ को समृद्ध करेगी। ओके, इट इज़ क्लियर। Your chapter is complete. Thank you.